हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अजीत अगरिया है। तो भाई, ये वीडियो देखने के बाद जो है आप एक परफेक्ट मतलब कि एक अच्छे खासे ट्रेडर बन जाओ और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओ। तो भाई, इसके लिए तो एक लाइक कर देना जरूर इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये ऐसा वीडियो देखने के बाद जो है आपका एकदम 101% है कि आपका जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है और जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो वो आपके ऊपर है कि आप कब तक ठीक कर पाते हो, लेकिन और एक रियलिटी जो है प्रॉफिट का, और फोमो होता है कि हम एंटर करेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो चीज जो है आपके यहाँ इस वीडियो से जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। हम जो है इंट्राडे के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैं जो है यहाँ 5 मिनट का कैंडल स्टिक जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो, जैसे कि आज पूरा दिन जो है डाउन ट्रेंड में रहा है और कल पूरा दिन जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद जो है अप ट्रेंड में रहा था, कल मतलब यहाँ पे 23 अगस्त 2023 को और आज मतलब 24 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही जो है ट्रेंडिंग मार्केट रहा है। एक दिन हमें अप ट्रेंड रहा है और दूसरे दिन हमें जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम जो है यहाँ पे एक्यूरेसी कैसे, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये आपको जो है 80% स्ट्रेटेजी के साथ जो है परफेक्टली काम करता है। हाँ, अगर किसी दिन, अगर जैसे कि दो डायरेक्शन, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मार्केट यहाँ पे कौन सा तारीख है, ये जो है 22 अगस्त को यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो ऐसे में क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे एक्यूरेसी जो है उसका कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 101% है कि एक्यूरेसी यहाँ पे बरकरार रहेगा और ये जो है काम करेगा। अगर ऐसा, अगर दो तीन डायरेक्शन अगर मार्केट एक दिन में चेंज करता है तो इसका एक्यूरेसी जो है यहाँ पे 65 to 70% हो जाता है। अगर मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में जाता है, भले ही सपोर्ट लेके जाए या कैसे भी जाए, भले ही एक डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे आपको 90% 80 to 90% एक्यूरेसी जो है परफेक्टली जो है यहाँ पे आपको आपके आपके सपोर्ट में जो है जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट जब भी किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें देखना है कि एक सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे 24 अगस्त के चार्ट पे। मैं आपको पिछला भी चार्ट वगैरह जो है दिखा दूंगा और साइडवेज में भी जो है यहाँ पे आपको करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब हमें जब भी मार्केट ओपनिंग लेगा तो हमें जो है 5 मिनट का जो कैंडल स्टिक, पहला कैंडल स्टिक है, उसका लो और उसका हाई को जो है हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट जैसे कि आज के दिन यहाँ पे सबसे पहला कैंडल बना रेड कैंडल, उसके बाद वो भी बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, भले ही कोई भी कैंडल बने, ऊपर की तरफ गया तो हमें जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो कौन सा कैंडल दिख रहा है, हमें जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है। अब हमें जो है यहाँ पे एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें जो है कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, हर हर रेड कैंडल पे जो है एक रसिस्टेंट होता है, तो हमें जो है उस रेड कैंडल को भी जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे उसका जो हाई है उसको जो है यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बना देना है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ से, अब देख सकते हैं मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल क्रॉस करने के बाद जो है हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब हमें एंटर करना है यहाँ पे, और हमेशा हमें एक चीज भी ध्यान रखना है कि हमें जो है 1:2 ही जो है हमें यहाँ से फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल को ब्रेक किया तो हमने जो है यहाँ पे एंट्री मारा, और यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे इसका लो को हमने इसका लो को जो है इसका लो को हमने क्या रखा, यहाँ पे रख दिया हमने इसका लो को सपोर्ट, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस, और इसका जो हमने जो है 1:2 ही हमेशा फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2, अब यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी अगर 1:2 आपको यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हमें यहाँ पे एक मिल गया। अब यहाँ पे हमें देखना है, देख सकते हैं यहाँ पे, अब मार्केट अगर नीचे आता है तो वापस मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज देख लेना है कि मार्केट का जो OI है, ठीक है, वो आपको चेक कर लेना है। OI मतलब क्या होता है यार, मैं भी भूल गया। नहीं, OI होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, वो जो है आपको चेक कर लेना है, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो, PCR, सॉरी OI बोल रहा हूँ, PCR आपको चेक कर लेना है।
टीसीआर आपको अगर 80% से ऊपर दिखे तो आपको यहाँ पे वापस सपोर्ट आने के बाद आप यहाँ पे एक यहाँ पे अगर एक हैमर कैंडल बना रहा है ग्रीन कैंडल के बाजू में, अगर हैमर कैंडल जैसा बना रहा है, जैसे कि ये वाला कैंडल है, सॉरी ये क्या खुल गया, जैसे कि ये वाला कैंडल है, अगर इस तरीके का कैंडल छोटा हो उससे मतलब नहीं है, जैसे कि ये दो कैंडल है, इस तरीके का कैंडल अगर दो बनाता है तो हमें जो है यहाँ पे एंटर मारना है, अदरवाइज हमें जो है यहाँ पे एंटर नहीं मारना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आया तो है लेकिन कोई भी हैमर कैंडल बनाया नहीं है, हैमर कैंडल ऊपर की तरफ बना है, एक चिन्ह बना है यहाँ पे, आप इसको जो है मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हो। इससे क्या होता है कि मार्केट जो है नीचे आने का चांस रहता है। अब हमें जो है यहाँ पे एंटर करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पे एंटर नहीं करना है, ये जोन हमारे लिए जो है बिल्कुल भी एंटर लाइक जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ से कभी भी मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके पहले ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है और यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, और ग्रीन कैंडल के बाजू में जो है हमें यहाँ पे फिर से एक हैमर कैंडल बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो हमें जो है यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे भी हमें एंटर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे नीचे आके एक हैमर कैंडल जो है यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लो कर देता हूँ ताकि आपको परफेक्टली शो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल का हैमर कैंडल बना रहा है। तो ऐसे क्या हो सकता है कि अब जो है मार्केट यहाँ पे जो पुट कॉल रेशियो वो अगर 80% से ऊपर है तो यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल हो, लेकिन अगर पुट कॉल रेशियो 80 से अगर कम है, 70 है, तो चांस बहुत करीब करीब 60-70% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। क्यों? अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची भी जो है यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ये हमारा फिबोनाची, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50% का जोन है, ये जो जोन है ये 50% का जोन है और इसी आसपास जो है यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ से बहुत चांस है कि मार्केट यहाँ से वापस जो है ऊपर चला जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे एंट्री नहीं करना, ये 65% का जोन है और नीचे जो आ रहा है वो यहाँ पे 40% का नहीं है, हाँ ये वाला है 35% का जोन है। तो ऐसे में क्या होता है 35% 40% ये जो है बहुत ही क्रूशियल जोन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो एंट्री करेंगे तो वहां से क्या होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने का चांस रहता है। अब नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो ये 60% का जोन है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ लेना है, मार्केट ये देख सकते हैं, मार्केट जो हमारा सबसे क्रूशियल सपोर्ट था जहां से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश किया। तो अब हमें क्या देखना है, हमें जो 5 मिनट का जो कैंडल है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए। देख सकते हैं मार्केट ने जो है इसको इजीली ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद भी आपको एंट्री नहीं करना है। एक रीटेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल बना है, दो हैमर कैंडल, तो इसमें भी आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अब मार्केट एक बार ऊपर जाने दीजिए, इसका जो कैंडल ब्रेक करेगा, ये कैंडल ब्रेक किया तो इसका लगभग 50% के आसपास देख सकते हैं, इसका 50% के आसपास ये रहा मार्केट। अब हमें जो है यहाँ पे रुकना है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें जो है एंटर नहीं करना है, यहाँ पे हमें रुकना है, और रुकने के बाद देख सकते हैं भले ही ऐसा कैंडल बने चाहे ऐसा कैंडल बने, वो भी उल्टा डायरेक्शन में बनना चाहिए। ये ऊपर की तरफ हैमर बना है तो हमें जो है यहाँ पे देखना कि उल्टे मतलब कि उल्टा हैमर बनना चाहिए, जैसे कि हाँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक ये आप देख सकते हैं, ये हो गया, एक और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये दोनों में से कोई एक हो गया, इन दोनों में से कोई एक हो गया, और एक ये वाला ग्रीन कैंडल हो गया। ऐसा कैंडल में से कोई भी कैंडल भले ही वो रेड हो ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कैंडल में से ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा हो तो आपको जो है इसका हाई को जो है यहाँ पे मार्क, इसका हाई को आपको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है, ऐसे करके, और आपको जो है 1:2 आपको इजीली जो है यहाँ पे 1 बे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अगर ये चीज अगर देख रहे हो, अगर ये चीज अगर आप जो है एक्सपायरी डे में अगर कर रहे हो तो आपका जो 1 बे में जो है आपको 20-30 पॉइंट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं, एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है,
एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो अब हमें जो है यहाँ पे जो पिछला वाला जो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो 5 मिनट का है उसको हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, ठीक है, उसको हमें फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो अब हमें करना क्या है कि इस लेवल को हमें जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट यहाँ पे बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट मार्केट ने हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे से आना है और इस जगह पे हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, अब यहाँ से तो हमने जो है यहाँ तक एक टारगेट ले लिया। अब मार्केट ने वापस इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, वापस इस लेवल को ब्रेक किया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे वापस इस तरीके का कैंडल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का कैंडल कहाँ पे बन रहा है। तो नीचे आए, नीचे आए तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे एंटर नहीं करना है क्योंकि इस लेवल के आसपास ये जो कैंडल आपको बड़ा दिख रहा है, हर एक बड़ा कैंडल के आसपास जो है आपको जो है एक कैंडल दिखना चाहिए। तो हमें कौन सा कैंडल दिख रहा है, वो ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल हमें दिख रहा है। आपको इंतजार करना होगा आपके परफेक्ट एंट्री के लिए, जो है इंतजार करना होगा, वरना जो है आप यहाँ पे मतलब कि पैसा जो है लुटा दोगे, ठीक है। मार्केट खाने को बैठा है, मैंने आपका अपना बहुत पैसा लुटा चुका है, इसके लिए जो है मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जगह पे आपको एंट्री नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है मार्केट ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको जो है लालच देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे लालच दिया बहुत सारे लोगों को कि आओ एंटर करो, लेकिन आपको एंटर नहीं करना है। भले ही मार्केट यहाँ से गिर रहा हो, लेकिन आप अगर इसका ओरिजिनल चार्ट देखोगे, ऑप्शन चार्ट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मार्केट वैसा गिरता हुआ नहीं दिखेगा। जब भी मार्केट ऐसा कैंडल आपके रेसिस्टेंट पे बनाए, क्योंकि आप इसको ब्रेक कर चुका है तो मार्केट ये वाला जो है रेसिस्टेंट बन चुका है, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे यही इसी जगह पे एंट्री मारना है, हमें जो है यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे मतलब कि वेट नहीं करना है कि अब जो है यहाँ पे कुछ हमें एक टाइम मिल जाए तब जाके हम एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका जो ट्रेड है वो छूट जाएगा, आप जो है गिल्टी में रह जाओगे, कि छूट जाने के बाद जो है आप गिल्टी करने लगोगे कि मैंने आखिर एंट्री क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ये वाला कैंडल जो है क्लोज होता है हमें झट से एंट्री करना है, जैसे ही क्लोज होता है हमें झट से एंट्री करना है। हमें इसका हाई या तो फिर जो है पिछला वाला जो सपोर्ट था जो अब रेसिस्टेंट हो चुका है उसका जो है एज ए यहाँ पे हमें जो है एक सपोर्ट सॉरी बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना है और 1:2 हमें जो है यहाँ पे ले लेना है, 1:2। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1:2 का बात कर रहा था, यहाँ पे एकदम 3 कैंडल के अंदर 15 मिनट के अंदर आपका टारगेट हिट, देख सकते हैं 1, 2, 3 कैंडल के अंदर। अगर आप थोड़ा देर और रुके होते तो आपको 1:3 भी आप 3 से भी जो है ज्यादा मिल जाता, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो आपको बहुत सारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनाना सिखाता हूँ, देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनाया है, हर ग्रीन कैंडल पे क्या होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें वापस लाओ हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब हमें जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वापस सपोर्ट ढूंढना है, तो एक ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। मार्केट जिसको ब्रेक करे वहां पे हमें एंट्री लेना है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ईजी है, हर ग्रीन कैंडल पे आपको सपोर्ट बनाते हुए चलना है, ये देख सकते हैं हर ग्रीन कैंडल पे हमें जो है सपोर्ट बनाते हुए चलना है, ये देख सकते हैं हर ग्रीन कैंडल पे हमें जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनाते हुए चलना है, देख सकते हैं ये देख सकते हैं। इतना इजी जो है होता है ना भाई, मैं बहुत टाइम लगा दिया यार ये सब चीज करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ये आप देख सकते हैं जैसे ही ये आप कब करेंगे, जब ऐसा मार्केट कब हो, जब भी 80% से ऊपर, एक चीज ध्यान रखना, ये चीज जो है मैं बता रहा हूँ फिर से, जब भी 80 से ऊपर 0.8 से ऊपर अगर आपका पुट कॉल रेशियो हो तभी ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर साइडवेज में है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे एक और ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो पिछला ट्रेंडिंग था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सपोर्ट बना है, ठीक है, दो सपोर्ट बना है। तो हमें हमेशा हमेशा सपोर्ट कहाँ पे ढूंढना है, नीचे की तरफ, और हमेशा रेसिस्टेंट कहाँ ढूंढना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस दिन ये जो आप देख रहे हैं ये जो 23 अगस्त का चार्ट है, इस दिन जो है मार्केट यहाँ पे 80% से नीचे 75-70 के आसपास जो है इसका OI रहा है, और पुट कॉल रेशियो PCR पुट कॉल रेशियो, तो इसका जो हाई है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हाई है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे जो इसका लो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा भाई इसका जो लो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज देख रहे हैं फिर से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो ग्रीन, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है इसके, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि एक रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो लेकिन आपको हैमर टाइप का कैंडल जो है यहाँ पे आपको ढूंढना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो कैंडल है, जस्ट आप यहाँ पे एंट्री मारे, भले ये कैंडल हो ये कैंडल हो दोनों में से कोई भी कैंडल हो, आप यहाँ पे एंट्री मारे, इस जगह पे एंट्री मारे, इसका हाई को स्टॉप लॉस लगा दीजिए 8-10 पॉइंट का और 1:2 देख सकते हैं एक ही कैंडल में आपको मिल गया, एक ही कैंडल में आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आपको फिर से जो है यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इतना बड़ा कैंडल अगर एक ही बार में ब्रेक करे तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला कैंडल है, ठीक है, ये वाला कैंडल है, तो आप यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे क्योंकि ये सपोर्ट पे बना है, बहुत ही नीचे आ चुका है मार्केट, देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कितनी बार सपोर्ट लिया है। अगर ऐसे जगह पे अगर मार्केट अगर बनाता है कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक कॉमन सेंस भी यूज कर लेना कि इतना नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कितना नीचे आ चुका है, मार्केट यहाँ से लगभग जो है 60-65 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 100-150 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है नीचे आना, और अगर आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं तो 60-70 पॉइंट नीचे आना बहुत ही बड़ा जो है फॉल होता है, ठीक है। इतना नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है उसके आसपास अगर ऐसा कैंडल बना रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसके ऊपर अगर बनाता ऊपर बनाता तो इसका एक रीजन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जब भी 70 या 80 के आसपास होता है तो मार्केट क्या होता है कि मार्केट एक, मतलब कि एक जिसको नेचुरल मार्केट कहा जाता है वो होता है, ठीक है। अगर 1 से अगर ऊपर हो जैसे कि 1.2 1.3 तो वो जो है सुपर बुलिश होता है, अगर 70 से कम हो जैसे कि 60-70 के आसपास तो वो जो है सुपर बियरिश मार्केट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है आप इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हैं, अगर आपका नॉलेज अच्छा खासा हो चुका है तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल का एंट्री करना है, रेड कैंडल का वेट करना है, सॉरी एंट्री बोल रहा हूँ, जैसे कि ये रेड कैंडल बना, ठीक है, रेड कैंडल जैसे ही बना तो आपको इसका हाई को यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिछला वाला जो रेसिस्टेंट था, ये वाला मैंने आपको कहा था कि पिछला वाला ये रेसिस्टेंट है, ठीक है, ये रेसिस्टेंट है, यहाँ पे ब्रेक किया ये वाला कैंडल ने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है फिर से एक और यहाँ पे हाई यहाँ पे बना देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो हमें जो है एक हैमर कैंडल चाहिए था, ये हैमर कैंडल जो है हमें इजिली मिल गया, ये जो हैमर कैंडल है वो यहाँ पे इजिली मिल गया। अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो एक जो है यहाँ पे एक वापस जो है यहाँ पे मार्केट आने का आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है आपको इजिली जो है यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ही एंट्री मारेंगे तो आपको इसका नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पे आपको कम से कम 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 1:2 देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है दो कैंडल में आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया। अब यहाँ पे बोलोगे कि भाई साइडवेज मार्केट में भी दिखा दो, तो भाई ये जो मार्केट था ये बहुत ही घटिया मार्केट था, इस दिन का भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारा पहला कैंडल का हाई, ठीक है। अब इस दिन मार्केट कितना इसका इसका जो क्या बोलते हैं यार पुट कॉल रेशियो था वो कितना था, वो यहाँ पे लगभग जो है 80 के आसपास था, ठीक है, 80 के आसपास था। 70 से 80 के बीच में जो है क्या होता है मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज तरीके के जो है फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे इसका जो 5 मिनट का पहला कैंडल है उसका हाई और पहला कैंडल यहाँ पे लो, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहला देख सकते हैं अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हमें सबसे पहले कौन सा कैंडल ढूंढना है, एक
हैमर टाइप का कैंडल ऊपर की तरफ बने, जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग वगैरह हमें दिख ही नहीं रहा है, कोई भी ब्रेकिंग वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे जो है मैं एंट्री लूँ। लेकिन लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वगैरह होते हैं, वो भी हमें यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। अब देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये वाला ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या कहा था कि एक रेड कैंडल का इंतजार करना है, तो मैंने जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख गया। तो रेड कैंडल का हमेशा क्लोजिंग आपको इंतजार करना है, ठीक है, क्लोजिंग हमेशा इंतजार करना है। तो यहाँ पे हमने जो है इसका रेड कैंडल का जो हाई है उसको भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। मार्क जैसे ही किया, अब जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देगा, ठीक है, भले ही वो नीचे की तरफ दो या ऊपर की तरफ दे, जैसे ही पहला ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो रेड कैंडल है उसका क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग होने के बाद हमें इसके क्लोजिंग पे ही यहाँ पे एंट्री लेना है, और इसका जो है 10 पॉइंट का कम से कम स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें जो है 1:2 यहाँ पे फाइंड करना है। ये देख सकते हैं बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर नीचे की तरफ अब भी आपको ढूंढना है, नीचे की तरफ भी अगर मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट ये वाला कैंडल यहाँ पे इस वाले लेवल को, ये जो रसिस्टेंट है जो सपोर्ट था वो रसिस्टेंट को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि जहां पे जो है मैं एंट्री लूं। अब यहाँ पे कोई भी कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेना, हमेशा बुलिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। हमें जो है ऐसा कैंडल पे हमें जो है एंट्री करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरे दिन में जो है हमें ऐसा कोई कैंडल मिला नहीं है जहां पे हम एंट्री कर सकें, ठीक है। तो बस ऐसे करके जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। हर दिन आपको एक से दो ट्रेड, अगर अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर हर हर दो ट्रेड में अगर आपको यहाँ पे 10-10, 20-20 पॉइंट अगर मिल गए एक दिन में, अगर आपने 40 पॉइंट कमा लिए, तो एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा वो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं। या तो फिर आप अगर एक प्रो ट्रेडर बन चुके हो तो आप कोई भी रेड कैंडल के ब्रेक डाउन पे आप एंट्री ले सकते हो, कोई भी ग्रीन कैंडल के ब्रेक आउट पे एंट्री ले सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है कैसे एंट्री करते हो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो बहुत भी, और सेकेंड टाइम पे जो है और अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, गुड नाइट। और रात के कितने बज रहे हैं भाई? 9 बज चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ खाना खाने। चलिए गुड लक, गुड नाइट।